देहरादून में इस समय कोरोना संक्रमण से राहत जरूर है, लेकिन डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 3 और मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिनमें अब मरीजों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। देहरादून में डेंगू के बढ़ते डंक से स्वास्थ्य महकमा सख्ते में है, क्योंकि डेंगू की बीमारी फैलाने वाले मच्छर के लिए मौजूदा मौसम मुफीद माना जाता है। हालांकि विभागीय अधिकारी दावा कर रहे हैं कि नगर निगम के सहयोग से शहर भर में दवा का छिड़काव और फॉगिंग की जा रही है। इन इलाकों में डेंगू के मामले मिल रहे हैं, वहां पर सघन फॉगिंग की जा रही है। जन सामान्य से भी अपील की जा रही है कि वह अपने घर में खाली बर्तनों में पानी जमा ना होने दे। और देहरादून के कई इलाकों में बढ़ता जा रहा है डेंगू का कहर, और ये एक चिंता का कारण भी बना हुआ है। सुरेंद्र जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, डेंगू की अगर बात करें तो अभी तक कुल कितने मरीज सामने आ चुके हैं उत्तराखंड से, और क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं डेंगू से बचाव को लेकर? देखिए अमनदीप, आपने अभी एक बड़ी बात बोली है कि चिंता का सबब बनता जा रहा है डेंगू। जाहिर सी बात है, जिस तरह लगातार पेशेंट सामने आ रहे हैं, तो उससे देखकर यही लगता है कि जिस तरह 3 पेशेंट कल और मिले हैं, अब जो मरीजों की संख्या है वो 44 हो गई, तो जाहिर सी बात है देखकर यही लगता है कि डेंगू अपने पैर धीरे धीरे ही सही लेकिन पसार रहा है। कोरोना हालांकि उत्तराखंड में जो कम हुआ है, कल 12 पेशेंट ही सामने आए हैं और अभी कोई डेथ भी नहीं हुई है, तो एक राहत की सांस सरकार के लिए भी है। लेकिन जैसे जैसे डेंगू बढ़ रहा है, तो उससे सरकार के लिए एक दिक्कत जरूर खड़ी हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बात जरूर कही थी कि लोग अपने घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें, अपना ख्याल रखें, और मच्छर का अगर डेंगू का लार्वा यदि कहीं पैदा होता है तो उससे परिवार को दिक्कत हो सकती है, तो अपने परिवार को बचाएं, और जो डेंगू का लार्वा है कहीं पानी ना पैदा होने दें, कहीं गंदगी अपने घर के आसपास ना होने दें, ताकि जो डेंगू का लार्वा है वो पैदा ना हो जाए। ऐसे में अब नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त अभियान शुरू कर दिया है। दवा छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है, और आप देखेंगे कि दोनों की टीमें लगातार घरों में जाकर सर्च कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और उन्हें जागरूक कर रही हैं, और ये बता रही हैं कि पानी जमा नहीं होने दें। लोगों के घरों में सर्च कर रही हैं, यदि कहीं पानी जमा है तो उसे हटाया जा रहा है। आसपास की नालियों में यदि कहीं पानी जमा है तो उसे हटाने का काम नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संयुक्त अभियान में चल रहा है। अब देखना यह है कि डेंगू पे कितनी जल्दी काबू पाया जाता है, लेकिन लोगों को भी ध्यान रखना होगा और अपने घरों के आसपास साफ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था रखनी होगी। लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, नगर निगम के अधिकारी जागरूक कर रहे हैं, लेकिन डेंगू जिस तरह बढ़ रहा है उसे देखकर एक डर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में भी है और नगर निगम के अधिकारियों में भी है। दोनों में एक डर का माहौल है, यदि यह आंकड़ा बढ़ता है तो दिक्कतें हो सकती है। लेकिन सुरेंद्र जी, डेंगू को लेकर कहा जाता है कि डेंगू का एक मौसम होता है, एक सीजन होता है, और नगर निगम हो या फिर प्रशासन हो, कोशिश उनकी यही होती है कि वो सीजन आने से पहले ही जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, लोगों को जागरूक करना है या फिर जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जाती है, नगर निगम के द्वारा व्यवस्थाएं की जाती है, उनको पूरा कर लिया जाए। तो क्या शुरुआती दौर में हमने देखा कि कोरोना का संकट काफी ज्यादा गहराया हुआ था, तो क्या उस कारण से किसी तरह की कोई कमी रह गई थी जिसके चलते जो आंकड़े हैं वो अब बढ़ रहे हैं? मैं आपको बता दूं, जिस तरह कोरोना चल रहा था उसको लेकर पहले ही दवाई छिड़काव और फॉगिंग वगैरह सब सरकारें करा ही रही थी, लेकिन एक दिक्कत बड़ी हुई कि उत्तराखंड में अमूमन आप देखेंगे कि बारिश का कहर बहुत ज्यादा है, तो पानी जमा होने की भी घटनाएं लगातार आप देखेंगे, जगह जगह पानी दिख जाता है जमा हुआ। इतनी ज्यादा बारिश है, इतनी ज्यादा बारिश होने से मच्छर पैदा होते हैं, तो वही एक दिक्कत है कि जो दवाई का छिड़काव होता है वो अब बारिश में बह जाता है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है नालियों में छिड़काव करते हैं तो जैसे बारिश पड़ती है वो सब धुल जाता है। यही वजह है कि अब दोबारा लगातार उन्हें फॉगिंग और ये दवाई का छिड़काव करना पड़ रहा है, जिसके चलते डेंगू को रोका जा सकता है, क्योंकि बारिश ज्यादा होगी, पानी भी जमा होगा और उससे मच्छर डेंगू का जो लार्वा है वो भी पैदा हो सकता है। और अभी भी आप देखेंगे कि उत्तराखंड में लगातार कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, तो ये दिक्कतों का सामना उत्तराखंड के लिहाज से जरूर है, क्योंकि जिस तरह बारिश पड़ेगी तो डेंगू का लार्वा भी बढ़ सकता है वाकई में। और इसके लिए सरकार के सामने यही एक रास्ता बच जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके, ताकि कम समय में इसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सके। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।